संसार में हर एक देश में अलग अलग परंपराएं और अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन एक ऐसी परंपरा है जिसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इस परंपरा में जिंदा लोगों को दफन कर दिया जाता है और धूमधाम से जश्न मनाया जाता है। एक ऐसी ही परंपरा क्यूबा में जूबी फेस्टिवल के नाम से प्रसिद्ध है। ये एक तरह का शराब फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में जिंदा आदमी को ताबूत के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसे शहर के सड़कों पर घुमाया जाता है। ताबूत के पीछे पीछे उसके रिश्तेदार और लोगों की भीड़ चलती है। सभी लोग शराब के नशे में तालियां बजाते हैं और नाचते गाते चलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सफेद बालों वाली जो आदमी दफनाया गया है उसकी विधवा बनती है और वो सारे क्रियाकर्म करती है जो एक विधवा को करनी चाहिए। इस फेस्टिवल का नाम यूरियल ऑफ पेंच जो है। क्यूबा में ये फेस्टिवल पिछले 30 साल से मनाया जाता आ रहा है। वैसे तो इस त्योहार में जिंदा आदमी को दफनाया जाता है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगेगा कि कोई शादी का प्रोग्राम है। इस अजीब त्योहार की शुरुआत 1984 में हुई थी। देखा जाए तो इस फेस्टिवल में जिंदा आदमी को दफनाया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग इस स्थानीय कार्निवाल के समाप्त होने और एक नए जन्म के संकेत के तौर पर देखते हैं। हो सकता है ये पुनर्जन्म से रिलेटेड कोई पुरानी प्रथा हो। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलना।